मध्य प्रदेश का बुरहानपुर शहर राजपुरा, ये गेट नरियल वाली मस्जिद के पास बीती रात एक चोरी हुई है। उस चोर को पकड़ने में यहाँ के स्थानीय लोगों ने मदद की है और साथ ही साथ ये वो सीसीटीवी कैमरा है जिसमें वो चोर नजर आए थे। हाँ हाँ, और वो गया था, हमको देखने वाले थे, बैठे हुए थे, वो अंदर गया हमने उसका पीछा करा। अच्छा, पीछा अंदर गया तो हमने होटल पे चढ़ा, उसको बुलाया भाई। तो इसको पकड़ के पुलिस के हवाले किए है आपने? हाँ, पुलिस के हवाले किए। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर शहर राजपुरा, ये गेट नरियल वाली मस्जिद के पास बीती रात एक चोरी हुई है। उस चोर को पकड़ने में यहाँ के स्थानीय लोगों ने मदद की है और साथ ही साथ ये वो सीसीटीवी कैमरा है जिसमें वो चोर नज़र आया, क्योंकि 8 दिन पहले भी यहाँ पर उसी ने घटना को अंजाम दिया था और उसके बाद कंटिन्यू दे रहा था। भाई, आप कुछ कहेंगे? आपने देखा है उसको? जी, कल रात में वो कुख्यात आरोपी इसके इनके घर में गया था। थोड़ा ज़ोर से बोलिए। हाँ हाँ, सदीक भाई, हम बाहर बैठे हुए थे। हाँ हाँ, और वो गया था, हमको देखने वाले थे, बैठे हुए थे, वो अंदर गया जाओ, हमने उसका पीछा करा। अच्छा, पीछा अंदर गया तो हमने होटल पे चढ़ा, उसको बुलाया भाई। तो इसको पकड़ के पुलिस के हवाले किए है आपने? हाँ, पुलिस के हवाले किए। अच्छा, आपने देखा है क्या? आपने भी देखा है? हाँ, नहीं पकड़े उसको। अच्छा, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज है कि मोहल्ले के लोगों से बात करने पर ये भी पता चला कि पुलिस का ये पुराना आरोपी है और कहीं ना कहीं उस पर ऐसे संज्ञान अपराध दर्ज है जिससे कि पुलिस उसको खुद तलाश कर रही थी। ये वही मकान है जो हम आपको सीसीटीवी कैमरे में भी दिखाएंगे कि यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। प्राइवेट है लेकिन काम में आया है कि चोर कहीं ना कहीं पकड़ गया। खबर खामगांव से, देखते रहिए खबर वही जो करे आप पर असर। धन्यवाद। Yeah।